समय कोरोना काल था, रेड क्रॉस सोसाइटी कितने काम किया हुआ है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर में है और हमें लगता है कि जमशेदपुर वासियों बहुत भाग्यशाली है कि यह संस्था जमशेदपुर में है, और यही कारण है कि इस संस्था में सब अपना सहयोग करते हैं, चाहे वह प्राइवेट हो, कॉरपोरेट हो, संस्था हो, नेता हो, अभिनेता हो, सरकारी अधिकारी हो, चाहे गाँव के वह लड़के जो रेड क्रॉस के नाम से फोर्टा जैसे क्षेत्र से यहाँ पर आकर रक्तदान कर रहे हैं। तो यह वीडियो दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर आपके क्षेत्र में अगर रक्त की ज़रूरत है तो आप रक्तदान करें, रक्तदान महादान, और इस रक्तदान के लिए आपकी सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रक्त नहीं दीजिएगा तब तक दूसरे को रक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक शरीर का रक्त दूसरा शरीर से ट्रांसफ़र होता है। तो सभी मानव को यह सेवा करना अति आवश्यक है। इस रेड क्रॉस सोसाइटी में सिर्फ रक्त देने वाले, रक्त संग्रह करने वाले के साथ साथ बहुत सा इंस्टीट्यूशंस भी हेल्प करते हैं। यह बैनर है भारत सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट, रचना हेल्थ केयर फाउंडेशन ट्रस्ट, और उसके बाद आपको हर वक्त बैनर दिखेगा टाटा ब्लू स्कोप स्टील, उसके बाद आरएसबी ट्रांसमिशन, एचडीएफसी बैंक, श्याम कंस्ट्रक्शन। जमशेदपुर में जो भी कारोबार है, चाहे उनका निजी हो, चाहे सामाजिक संस्था हो, चाहे वह कॉरपोरेट हो, वह सब भी इसमें सहयोग करते हैं। उनके एम्प्लॉई, उनके कर्मचारी भी आकर ब्लड डोनेशन करते हैं। और यार, रेड क्रॉस अगर जमशेदपुर में है तो जमशेदपुर वासियों को तो फ़ायदा होता ही है, और जमशेदपुर से बाहर भी इनका रक्त जाता है। अगर जमशेदपुर के वासी अगर बाहर चल जाते हैं और उनको रक्त की आवश्यकता है तो इस रेड क्रॉस के माध्यम से उनको मिलता है। टाटा मोटर भी इसमें सहयोगी अपनी पार्टिसिपेट करते हैं। यह रेड क्रॉस का वह टीम है जो फोटो सेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया। रेड क्रॉस का भी अपना टीम है, वह भी इसमें ब्लड डोनेशन करता है। आप देख सकते हैं कि यह रेड क्रॉस का वह टीम जो यंग बच्चे जो रेड क्रॉस में अपनी वॉलंटियर काम तो करते हैं और उसके साथ साथ रक्त डोनेशन का भी काम करते हैं। एक अक्टूबर राष्ट्रीय रक्तदान दिवस होता है और इसी दिन रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर के द्वारा भी यह राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है और जिसकी आप रूपरेखा देख रहे हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। कितना दिन से जुड़े हुए ब्लड डोनेशन में रेड क्रॉस से? मेरा 18वां बार हो चुका है। दादा, कैसे करके संपर्क हुआ रेड क्रॉस से? क्या ऐसे जीवन में ऐसी घटना हुआ कि आपने रेड क्रॉस के सदस्य बना और हर वक्त रेड क्रॉस का किसी भी शुभ काम में आप एक्टिवेट रहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? धन्यवाद आप सभी का कि मैं भारतीय मानवाधिकार का जिला अध्यक्ष भी हूँ और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़े भी हैं और पेट्रन के सदस्यता भी है और घोष जी भी हैं और विजय जी की तरफ से हमारे हमेशा सहयोगी रहा कि किसी भी तरह समाज के किसी भी लोगों पर ज़रूरत पड़ने पर हम लोग ने आगे बढ़ करके किए। और रक्तदान आज प्रधानमंत्री की ओर से जी के आह्वान था कि रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाए और जिसके कारण आज काफ़ी लोगों ने की सहयोगिता से हम सभी जनता को इंसिस्ट करेंगे कि आप लोग आए और रक्त दें, क्योंकि रक्तदान जीवन दान होता है। आपके रक्त से किसी का जीवन बच सकता है। और आप आज के डेट में महामारी और डेंगू के रूप में ये हो रहा है प्रतिक्रिया, और कि लोग प्लेटलेट और रक्त की
काफ़ी सारा आवश्यकता होती है। तो हम सभी जनता से आह्वान करेंगे कि अनुरोध करेंगे कि आप लोग आए, जुड़े और रक्त दान करें। रक्तदान महादान। धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे? ये रक्तदान महादान हमेशा लोगों से आह्वान है कि बढ़ चढ़ कर जो लोग स्वस्थ हैं रक्तदान करें, इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता। दादा, जब से संस्था खुला है तब से हम एक्टिवेट है, पूरा समय देते हैं। जब शुरुआत का समय था कितने लोग आते थे ब्लड देने के लिए? 2005 से मैं जुड़े हुए कन्विंस इसीलिए करते, उस टाइम में रक्त का अभाव इतना नहीं था जो अभी दिखाई दे रहा। ब्लड डोनेशन कैंप हमारे रेडक्रॉस द्वारा जागरूक से दिया गया, जैसे गांव से सब जो लाए, पटका से जो जिन्हें संजीव छात्र ने भेजा है, उसमें हम लोग जाके उनको कन्विंस कराया, बुलाया कि आप भी डेंगू का बीमारी के चलते आओ, जो बीमारी आ रहा उसके साथ प्रतिक्रिया से बचने के लिए रेडक्रॉस के द्वारा ब्लड डोनेशन किया जाए, आप लोग आइए। रेड क्रॉस ऐसे संस्था है पूरा भारत में, आपको जो पंजाब का बात, रेड क्रॉस जमशेदपुर नंबर वन में है और नंबर वन रहेंगे। हमारे रेड क्रॉस की टीम इतनी जागरूक है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये विजय सर का ये देन है। मैं आशा करता हूँ ये रेड क्रॉस हमेशा आगे बढ़ते रहे। देखिए, रेड क्रॉस तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग बहुत मामूली आदमी है। ये इतनी बड़ी संस्था है कि दुनिया के 192 कंट्रीज में ये रेड क्रॉस है। और ये संस्था वार फील्ड में काम करने वाली, युद्ध के मैदान में जहाँ दो देशों की लड़ाई होती है या कई देशों की लड़ाई होती है, उसमें ये काम करती है। और जब युद्ध नहीं रहता है तब ये समाज सेवा के दूसरे कार्य जो हैं वो करती है। तो रेड क्रॉस का जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों का अनुरूप ही रेड क्रॉस काम करती है। जमशेदपुर रेड क्रॉस के इतना सफल होने का कारण है कि यहाँ काफ़ी जन समर्थन मिलता है लोगों से। अब जैसे ये बिल्डिंग ही बनाना था तो फंड टोटल पब्लिक ने दिया, एक पैसा सरकार का इसमें नहीं लगा है ना, सरकार से हमने लिया है। तो इतना जन समर्थन, हम साल में 44 आई ऑपरेशन कैंप करते हैं हम, जिसमें करीब 40 लाख रुपया खर्चा होता है, वो भी आम लोग ही देते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स और मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, साल में हमारा लगभग 10 करोड़ का टर्नओवर होता है रेड क्रॉस का, सारे जो गतिविधि हैं। और सारा पैसा आम जनता देती है, हमारे मेंबर्स देते हैं और उसी से ये सारा चल रहा है। आज एक अक्टूबर राष्ट्रीय रक्तदान दिवस, इसमें क्या कहना चाहिए? ये तो हम लोग पिछले 40 वर्षों से राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मना ही रहे थे और ये 1 अक्टूबर और 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के दिन हम लोग रक्तदान महायज्ञ का आयोजन करते ही हैं। इसके अलावा पूरे वर्ष में गांव-गांव घूम कर भी पूरे ज़िले में 100 ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोग पूरे साल में आयोजित करते हैं। जैसे कल ही नरवा जो जादूगोड़ा के क्षेत्र में है, वहाँ हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया, जहाँ 167 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा भी मना, राष्ट्रीय सेवा पखवाड़ा, तो वो भी इसके अंतर्गत आ गया है। और उसी के अंतर्गत ये ब्लड डोनेशन कैंप का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और आज पूरे देश में ये ब्लड डोनेशन चल रहा है, ये प्रधानमंत्री की अपील पर। लेकिन रेड क्रॉस जो है वो पूरी दुनिया में के 192 कंट्रीज़ में रेड क्रॉस का ये कार्यक्रम चल रहा है। भैया, बहुत बड़ी मांग है कि सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिलता, तो उसके लिए सर आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? देखिए, सरकारी अस्पताल में ब्लड नहीं मिलने का कारण भी कुछ है। अभी देखिए, अभी ब्लड का कोई मतलब नहीं है, अब किसी को ब्लड नहीं लगता है, ब्लड के कंपोनेंट्स लगते हैं। जैसे अब ब्लड को 4 हिस्से में हम बांटते हैं, एक रेड सेल्स जिससे हीमोग्लोबिन अगर का आपका काम है कम है तो ऊपर होगा, दूसरा प्लाज्मा जो जलने वगैरह के केस में और ब्रेन वगैरह के केस में काम आता है, तीसरा प्लेटलेट जो आजकल ये बीमारी फैली हुई है डेंगू, उसमें प्लेटलेट की ज़रूरत होती है वो प्लेटलेट, और चौथा क्रायो
एक उसमें है। तो ये एक ब्लड बोतल ब्लड से हम चार आदमी की जान बचा सकते हैं। अब पहले एक बोतल से एक आदमी को चढ़ता था वो, लेकिन अब क्या है किसी को भी होल ब्लड नहीं चढ़ता, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ उसको दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में देखिए, सरकारी अस्पताल में एक तो रक्त की तरीके से जांच नहीं होती है, उनके यहाँ कई मशीन ब्लड सेपरेटर मशीन जो है वो पाँच के हमको लगता है 10 वर्ष से आगे पड़ा हुआ है, वो बक्सा खुला ही नहीं, समझ ना। ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि सरकारी जो पेशेंट आते हैं उनके लिए रेड क्रॉस। हाँ, हम लोग 50% जमशेदपुर ब्लड बैंक का 50% अधिक ब्लड वो हम MGM के मरीजों को देते हैं, और उनका जो जो चार्जेज है जो प्रोसेसिंग चार्ज वो भी आधा है। अच्छा, जो प्रोसेसिंग चार्ज का इतना महंगा हो जा रहा है इसके लिए कुछ कम देखिए। प्रोसेसिंग चार्ज में देखिए लगभग एक यूनिट ब्लड को प्रोसेस करने में 4000 से कम का खर्च नहीं आता है, लेकिन मात्र 1100 रुपया ब्लड बैंक लेता है वो, मतलब ब्लड बैंक अपनी तरफ से उसको कॉम्पनसेट करता है, समझ ना। इसके अलावा ब्लड बैंक का इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी उसको चलाना है, अगर वो कुछ चार्ज नहीं करेगा तो ब्लड बैंक बंद हो जाएगा, फिर वही सरकारी ब्लड बैंक वाली हालत हो जाएगी उसकी भी, समझ ना।